व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग अभी लेसन नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 200. आप सबको 200 पेज नंबर निकालना है आपकी ट्यूलिप में. ओके, सो हमने क्या समझा था हमारे प्रीवियस वीडियो में, दैट पॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, एंड हमने एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स कौन से हैं, उनका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, वो हमने समझा था. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, वाटर पॉल्यूशन. ओके, सो लोकेटेड ऑन पेज नंबर 200 इन योर ट्यूलिप्स, लेट्स स्टार्ट वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स कौन से हैं, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, वो जानेंगे. सो लेट अस लर्न अबाउट द कॉजेस, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन. सो कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, उसके रीजंस क्या है. तो वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड फैक्ट्री वेस्टेस इनटू वाटर. देखिए, जो गार्बेज है एंड जो फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है, वो कोई कुछ लोग होते हैं डाल देते हैं नदियों में, पानी में, जितने भी आसपास लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वो उनको उसमें थ्रो कर देते हैं. ओके, जितना भी गार्बेज होता है फैक्ट्रीज का या घर का, कुछ लोग क्या करते हैं उसको नदियों में थ्रो कर देते हैं. तो उसकी वजह से जो वाटर है नदी का, जो लेक्स का, पॉन्ड्स का जो पानी होता है, वो पॉल्यूट रहता है, वो दूषित हो जाता है. सो ये भी रीजन है वाटर पॉल्यूशन का. देन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन से क्या नुकसान हो सकता है हमको. सो फर्स्ट पॉइंट, ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन लीड टू वाटर बॉर्न डिजीजेस सच एज कॉलेरा एंड टाइफाइड. सी, वाटर बॉर्न डिजीज मतलब वो डिजीज, वो बीमारियां, डिजीज मीन्स बीमारी, एंड वाटर बॉर्न डिजीज मतलब जो हमें पानी से होती है. ओके, सो अगर हम गंदा पानी पिएंगे, पोल्यूटेड वाटर पिएंगे, तो उससे हमें बीमारियां हो सकती है. कौन सी बीमारियां, तो वाटर बॉर्न डिजीज कौन कौन सी होती है, कॉलेरा एंड टाइफाइड. ओके, माने जो होता है अगर हम वो ड्रिंक करेंगे तो उससे क्या होता है, हमें बीमारियां हो सकती है. देन सेकंड पॉइंट, पोल्यूटेड वाटर हार्म्स फिश एंड अदर एनिमल्स लिविंग इन वाटर. चलिए, अगर किसी ने डाल दिया नदियों में, लेक्स में गार्बेज, उससे क्या होगा, जो वाटर एनिमल्स रहते हैं उस नदी में, उनको होगी ना प्रॉब्लम्स, वो भी वो दूषित पानी पी सकते हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको भी नुकसान हो सकता है. देन प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, हम कैसे रोक सकते हैं वाटर पॉल्यूशन. वी कैन प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन बाय नॉट थ्रोइंग गार्बेज इन वाटर. हमें पानी में गार्बेज थ्रो नहीं करना चाहिए, नदियों में, पॉन्ड्स में, वाटर में जो गार्बेज है वो थ्रो नहीं करना है. प्रिवेंटिंग फैक्ट्रीज फ्रॉम लेटिंग आउट देयर वेस्ट इनटू वाटर. जो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है वो हमको नदियों में ना जाए, उसका ध्यान रखना है, उस गार्बेज को और जगह थ्रो करना है इंस्टेड ऑफ रिवर्स. नॉट अलाउइंग शिप्स टू स्पिल ऑयल एंड वेस्ट इन सीज. ओके, जो शिप्स होती हैं, जो सेल करती है नदियों में, ओशन में, उनको ध्यान रखना है कि वो जो उनका ऑयल निकलता है, लाइक सबमरीन है, जो शिप्स होती है बड़ी बड़ी, उनका ऑयल वाटर में ना जाए, उनको उसका ध्यान रखना है कि जो शिप्स का जो ऑयल है वो सीज में, जो ओशन है, जो समुद्र है, उसमें ऑयल ना जाए. Next, students, choose the right answer, orange box. First one, cholera is spread through polluted blank. जो cholera बीमारी है, disease जो है, वो किसके द्वारा होता है? So, polluted water. अगर गंदा पानी है, तो उससे में waterborne disease होते हैं, like cholera. So, क्या आएगा first में? Water. Okay? Then, second one, we must not throw garbage into blank. हमें गार्बेज को कहाँ थ्रो नहीं करना है. सो रिवर्स, नदियों में हमें गार्बेज को थ्रो नहीं करना है. फर्स्ट में वाटर, सेकंड में रिवर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉइज पोल्यूशन. सो लाउड नॉइज कॉजेस नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है, जब कहीं पर लाउड, एकदम मीडियम वॉइस में नहीं, एकदम लाउडली कुछ भी अगर चल रहा होता है, लाइक म्यूजिक या कोई लाउडली बात कर रहा है अगर, तो वो भी एक टाइप का नॉइस पोल्यूशन ही है. लेट अस लर्न अबाउट द कॉजेस, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन कैसे होता है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, और उसको कैसे रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, वो जानते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉजेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन. फर्स्ट पॉइंट, लाउड हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स.
लाउडली हॉर्न्स बजा रहे होते हैं व्हीकल्स के, सो वो भी एक टाइप का नॉइस पोल्यूशन ही है। सो हमें पेशेंस रखना है, सब लोग ये ट्रैफिक में हैं तो जल्दी चले कोई मतलब नहीं है। सो लाउडली हॉर्न्स बजाने की जगह वी हैव टू कीप पेशेंस। ओके, सेकेंड पॉइंट, यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। कोई फंक्शन हुआ, कोई फेस्टिवल हुआ तो लोग एकदम लाउडली म्यूजिक प्ले करते हैं लाउड स्पीकर्स में, उससे उनको तो मजा आता है लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। सो हमें ध्यान रखना कि हम एंजॉय करें, लेकिन किसी को परेशान करके हमें एंजॉय नहीं करना है। ओके, जो वॉइस से लाउड स्पीकर्स के तो सिर्फ मीडियम रखनी है, लो रखनी है, हमें सुनाई पड़े बस इतना, दूसरों को नहीं सुनाना है। थर्ड पॉइंट, लाउड म्यूजिक। ओके, सेकंड पॉइंट और हमें लाउडली म्यूजिक नहीं सुनना है। ओके, देन स्टूडेंट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। ओके, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, क्या नुकसान हो सकता है नॉइस पॉल्यूशन से। सो फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट्स हियरिंग एंड मे लीड टू डेफनेस। ओके, जो हमारे सुनने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो सकती है अगर लाउडली म्यूजिक बजेगा आसपास तो, एंड मे लीड टू डेफनेस। डेफनेस को डेफ में होता है बहरा, इसको जो सुन नहीं सकते उनको बोलते हैं डेफ। डेफ मींस बहरा, ओके, जिनको सुनाई नहीं पड़ता है दोज आर डेफ, बट डेफनेस मींस बहरापन। सो अगर लाउडली म्यूजिक हम सुनेंगे तो जो हमारी क्षमता है, जो हमारी कैपेबिलिटी है सुनने की, वो कम हो सकती है। सो हमें लाउडली म्यूजिक सुनना अवॉइड करना चाहिए। डिस्टर्ब्स द एल्डरली, जो हमसे बड़े हैं हम उनको भी डिस्टर्ब करते हैं लाउडली म्यूजिक प्ले करके। द सिक, सपोज हमें नहीं पता कि हमारे आसपास के घर में कौन बीमार है तो हम अपना एंजॉय करें, लेकिन जो बीमार है उनको भी नहीं अच्छा लगेगा लाउडली म्यूजिक। सो हम जो बीमार हैं उनको भी तकलीफ देते हैं। एंड स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग, ओके, किसी एग्जाम्स चल रही है, कोई कुछ लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एंड हम लाउडली म्यूजिक प्ले करेंगे लाउड स्पीकर्स में तो वो उनको भी डिस्टर्ब करेगा ना। सो हमें सबका ध्यान रखते हुए हमको सुनाई पड़े से इतनी वॉल्यूम रख के म्यूजिक सुनने। देन प्रिवेंशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन, हम नॉइस पोल्यूशन कैसे बचा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। सो वी कैन प्रिवेंट नॉइस पोल्यूशन बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ हॉर्न्स। हॉर्न्स का यूज हमें जितना हो सके उतना कम करना है, जहाँ जरूरत है वही करना है, वो भी लाउडली नहीं करना है। ओके, देन रिड्यूसिंग द यूज ऑफ लाउड स्पीकर का यूज जितना हो सके उतना कम करना है। लिसनिंग टू म्यूजिक एट लो वॉल्यूम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमें म्यूजिक सुनना तो है लेकिन कम आवाज में, दूसरों को डिस्टर्ब हो इतना लाउडली नहीं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डू अवर ऑरेंज बॉक्स टू द आंसर। फर्स्ट वन, यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स कॉजेस प्लेग पोल्यूशन। लाउड स्पीकर का यूज करने से कौन सा पोल्यूशन होता है, सो नॉइस पोल्यूशन। सो क्या करना है आपको, नॉइस में टिक करना है। देन सेकेंड वन, नॉइस पोल्यूशन में लीड टू ब्लैंक। नॉइस पोल्यूशन से क्या हो सकता है, सो डेफनेस। क्या करना है आपको, डेफनेस में टिक करना है, फर्स्ट में नॉइस, सेकेंड में डेफनेस। सो स्टूडेंट्स, यहां तक हमने समझा, आपको एक बार फिर से रीड करना है, आपको कुछ वर्ड्स हार्ड लगेंगे, फर्स्ट टाइम आपने पढ़े होंगे तो आपको उनकी रीडिंग सदा करनी है ताकि आपको वो अच्छे से माइंड में याद आ जाए, एंड ये ऑरेंज बॉक्स से फिनिश करना है आपको अपने ट्यूलेट में। ओके, सो स्टूडेंट्स, रीड till this topic and complete this orange box also, okay?